यहाँ डबल हम्प यानी कि दो कोबड़ वाले ऊंट भी पाए जाते हैं, जो लेह जिले के नुब्रा वैली स्थित डिस्कट तहसील के हुंदर गांव में है। भारत में ये ऊंट केवल यही है। लद्दाख आने वाले पर्यटक जो नुब्रा वैली आते हैं, वह इन ऊंटों की सवारी जरूर करते हैं। ऊंटों का झुंड दिखाई दे तो समझ आ ही जाता है कि रेगिस्तान होगा, लेकिन पहाड़ों के बीच रेगिस्तान और वहां भी दो कुबड़ वाले ऊंट हों तो हर किसी की जिज्ञासा ये देखने को जागृत हो जाती है। नुब्रा वैली के बीच बहती श्योक नदी के किनारे हुंदर गांव में बने ये रेत के टीले पर दो कुबड़ के ऊंट की सवारी का आनंद लेने वाले पर्यटक रोमांचित हो उठते हैं। बहुत अच्छा था, बहुत मजा आ गया, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एंड इट वाज वेरी नाइस। इट वाज माय फर्स्ट टाइम इन लद्दाख एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। दोबारा आएंगे? या जरूर आएंगे, एटलीस्ट फॉर दिस कैमल। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे और फर्स्ट टाइम मैंने डबल हम कैमल्स को देखा है और काफ़ी मज़ा आया एंड हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी जगह पे हमें ये एक्सपीरियंस करने मिलेगा, तो डेफिनेटली दोबारा आने की कोशिश होगी और इन्जॉय भी बहुत करेंगे। तो यस, फर्स्ट टाइम डबल हम कैमल्स देखे हैं, तो फर्स्ट टाइम हम डबल हम कैमल्स राइड कर रहे हैं, तो बढ़िया था। भारत में इस प्रजाति के ऊंट केवल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या अभी लगभग 250 से 300 के बीच है। राजस्थान के रेगिस्तान में पाए जाने वाले एक कुबड़ के ऊंट से इनकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है, लेकिन भावपूर्ण आंखें और दो कुबड़ लोगों को आकर्षित करती हैं। इनके संरक्षण के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है इनका संरक्षण जरूरी और ऊंट पालकों के वेलफेयर के लिए भी कोई योजना लाई जानी चाहिए। ऊंट तो हमारे राजस्थान में भी पाया जाता है, तो इस ऊंट की जो आपको एक खास बात बता दूं कि ये ऊंट जो है यहाँ पे जो है डबल हम ऊंट जो है पाया जाता है, जो कि विंटर में भी इधर सर्वाइव करते हैं। अगर हमारे राजस्थान में भी जो कैमल है वो अगर इधर लाए जाएंगे तो वो इधर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इन कैमल का खास बात है कि ये यहाँ पे विंटर में सर्वाइव करते हैं। दो कुबड़ वाले ऊंट, उनको वेक्टेरियन ऊंट भी कहते हैं। उत्तरी भारत को चीन से जोड़ने वाले रास्ते के लिए ये पहले सामान लाने ले जाने वाले का काम करते थे, लेकिन 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, तब से इसे बंद कर दिया गया। राजस्थान में गर्मी को सहन करने की ताकत एक कुबड़ वाले ऊंट रखते हैं, तो माइनस में जाने वाले टेम्परेचर और समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर दो कुबड़ वाले ऊंट आसानी से रह पाते हैं। 2010 में जब नुब्रा वैली में बादल फटा, तब यहां के लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। कोरोना के बाद अब पर्यटन व्यवसाय के पटरी पर लौटने से इन ऊंट पालकों की आमदनी में इजाफा हुआ है। भारत में डेजर्ट और कैमल की बात आती है तो राजस्थान की यादें ताजा हो जाती हैं, लेकिन लद्दाख की खूबसूरती में भी ऊंटों का रोल बड़ा महत्वपूर्ण है। डबल हम के ऊंट केवल लद्दाख के नुब्रा वैली में ही पाए जाते हैं और यहां आने वाला हर टूरिस्ट एक ही ख्वाहिश रखता है कि ऊंट की सवारी जरूर करूं। मैं भी कर रहा हूं आपके सामने। ये सवारी महज एक सवारी नहीं है, यहाँ के लोगों को जो पशुपालक हैं और अब ये प्रजाति धीरे धीरे कम भी हो रही है, जरूरी है सवारी करना भी और इन लोगों को रोजगार देना भी। योगेंद्र शर्मा, जेंटीवी न्यूज, नुब्रा वैली, लद्दाख।